You have to go a long way to see that from Lasit Malinga. Mikaal, टीवी बंद करो। Mikaal. नाचा रहा था यार। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं। ओह, मैं फिर भूल गया था। हैप्पी एनिवर्सरी। पागल, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं और मेरे पेरेंट्स सब शादी के लिए मुझे प्रेशर कर रहे हैं। हाँ, प्रेशर तो कर रहे हैं। देखो ना कितनी वीक हो गई हो तुम। फजूल बातें मत करो। फजूल बातें क्या कर रहा हूँ? देखो असली में तुम वीक हो गई हो। चल के निहारी शहरी खाते हैं। Be serious मिकाल, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलवाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही नहीं? क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कोई साइंस की जात लगता हूँ? तो फिर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाओ। अगर वो अमेरिका में है तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वैसे भी तुम कभी उनका जिक्र करते ही नहीं। अगर तुम मेरी जगह लड़की होते ना तब तुम्हें समझ आता। अगर मैं लड़की होता ना तो तुम्हें पता चलता। मुझे लगता है कि तुम इस शादी के लिए सीरियस हो ही नहीं। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अपने पेरेंट्स को मेरे घर पे नहीं भेजा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। एनी, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। 2 दिन। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। बाय। बेटा वो टाइम आ गया हम तुमको सब कुछ सच सच बता दें। क्या सिस्टर? बेटा जब तुम बहुत छोटा था तो तुम्हारा माँ बाप तुमको हमारे पास छोड़ के चला गया था। वो नहीं चाहता था तुमको अपने पास रखना, इसलिए अब तुम्हारा माँ भी हमें और तुम्हारा बाप भी हमें। मगर आप तो मेरी सिस्टर है ना सिस्टर। दिस इज नॉट अ जोक माई सन। तुमको अभी बहुत मेहनत करना है, पढ़ना लिखना है। ऐसा जोक मारेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मानी बनेगा। मानी क्या होता है सिस्टर? तुम मानी को नहीं जानता? नहीं सिस्टर। अच्छा करता है। God bless you my child. अब तुम सो जा आराम से। जी सर, आपसे मिलने कोई साहब आए हैं। क्या नाम है? कोई समीला साहब आए हैं आपसे मिलने। अच्छा भेजें। जी बेहतर। ये कहाँ से आ गया यहाँ? मिकाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है तू? मेरे भाई मिकाल कैसा है मेरे दोस्त? बड़े दिन हो गए थे। मैंने कहा अपने भाई से आके मिले। काम क्या है? कुछ भी नहीं, बस मिलने आया था तुझसे। याद आ रही थी। याद पूरी होगी। अब जा। तू ऐसा सोचता है? बड़े अफसोस की बात है यार। हाँ बहुत अफसोस हुआ। चलो बता यार। वो और पैसे चाहिए। पिछले वाले तूने लौटाए नहीं, अब और मांगने आ गए। बस थोड़े से और चाहिए। तू मुझे ये पैसे दे दे, उसके बाद अगले महीने की पहली को मैं तुझे सारे पैसे इकट्ठे वापस करूँ। कितने चाहिए? 5000। 5000 नहीं है मेरे पास। प्लीज बड़ी जरूरत है यार पैसों की। सारे पैसे इकट्ठे लूंगा तुझसे, आखिरी बार दे रहा हूँ। आइंदा नजर नहीं आना यहाँ पे। थैंक यू। आखिरी बार। हाँ ये 500-500 के 10 नहीं मिलेंगे? दो 500-500 वाले 10। अरे राउडी डोंट एंग्री मी। हाँ यार मिकाल तू कुछ परेशान लग रहा है। हूँ परेशान, तुझे क्यों बताऊँ? चल निकल यहाँ से। भाई को नहीं बताएगा? हो सकता है कोई मसले का हल निकाल दूँ। नहीं निकाल सकता तू कोई मसले का हल। भाई यार जा यहाँ से, मुझे वैसे ही बहुत काम है। बच्ची का मामला, शादी करना चाहती है और वही माँ बाप का मसला है ना। हाँ है, तुझे कैसे पता? हम भी फिल्में देखते हैं मेरे दोस्त। जब भी किसी लावारिस की जिंदगी में कामयाबी, बच्ची और पैसा सब कुछ हो ना, तो बस यही मसला बीच में आ जाता है। हाँ तो क्या करूं मैं? माँ बाप खरीद ले, पैसे बचे तो बहन भाई भी। बकवास कर रहा है क्या? कहाँ से मिलते हैं ये माँ बाप? वहीं से जहाँ से बच्चे मिलते हैं, जहाँ से तू और मैं मिले थे। भूले से? अबे नहीं, सड़क पे से। पागल हो गया है क्या? एक तू ही तो भाई है मेरा इस दुनिया में, और तो कोई भी नहीं है मेरा। वो याकूब ने भी घर से धक्के देके निकाल दिया यार। जी हाँ, फोन आया था उसका। तू उसकी बीवी पे लाइन मारा था? शर्म नहीं आई बेशरम? अबे लाइन कहाँ मार रहा था, एक गिफ्ट ही तो दिया था बस। और कौन सा गिफ्ट दिया था आपने? वो लाल हार्ट वाला। बेशरम कहीं का। तो उसकी बीवी पे लाइन मार। चल अब जाए यहाँ से, गुड बाय। कराए के माँ बाप बकवास करता है। दो दिन मेरा रिश्ता आया है, मैं जा रही हूँ। हेलो, कहाँ है तू? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? अबे मुझे तो खुद हेल्प चाहिए। रात को जुए में तेरे दिए हुए 5,500 रुपए हार गया हूँ मैं। मगर मैंने तो तुझे 5,000 रुपए दिए थे। सॉरी यार, वो आते हुए तेरी टेबल से तेरा कार्ड होल्डर उठा लिया था मैंने, वो 500 का बिक गया। क्या यार, वो मुझे एनी ने दिया था। अच्छा खैर छोड़, वो तूने मुझे माँ बाप वाला आइडिया दिया था ना, वो सूट कर रहा है मुझे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सारे कैरेक्टर्स आज ही चाहिए। इस काम के 5 लाख लूंगा। क्या 5 लाख? अच्छा 50,000? 50,000? अच्छा 15,000? हाँ 15,000 ठीक है, लेकिन बात सुन, मुझे सारी फैमिली आज ही चाहिए। समझ ले मिल गई। तेरा छोटा भाई तो मेरे सामने पड़ा है। पड़ा है? मेरा मतलब सो रहा है। अबे उठ कुत्ते, तेरे लिए जॉब ढूंढी है। हेलो हेलो। हाँ हाँ इंतजाम हो गया है। अब तू 2 घंटे में 15,000 रुपए कैश एक बैग में डालकर जैनब मार्केट के सामने वाले कूड़ेदान में डाल देना। और हाँ, पुलिस को खबर करने की होशियारी मत करना, क्योंकि तेरी फैमिली मेरे पास है। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तेरा दोस्त हूँ। हाँ हाँ तो तू मुझे पिक कर लेना 2 घंटे में। और हाँ, ये याकूब की बीवी की मिस कॉलें आ रही हैं। क्या? वो आते हुए मैं उसका फोन उठा लाया था यार। समीउल्ला, ये चोरी वोरी छोड़ दे। चोरियां नहीं, उधार मेरे दोस्त। 2-4 दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। अच्छा चल, मिलते हैं। ओके। अबे उठ। अबे जुआ हार गया तो अब लाते भी मारेगा? तेरे लिए नौकरी ढूंढी है। नौकरी अपने बाप से करवा, मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस? रात को 5,500 का मुनाफा हुआ। तू जुए को बिजनेस कहता है? और क्या जुए को चूहा बोलो? ये क्या था? जोक था। सुबह सुबह ऐसे ही होता है। तू शाम को आ, तेरे को बहुत हंसी आएगी। थोड़ी पिलाना यार, गला बिल्कुल खुश्क हो गया। बात करता हूँ मुंह से पाउडर निकलता। अच्छा सुन, पहले वादा कर गाना नहीं सुनाएगा। मैं बप्पी ले रही हूँ जो गाना सुनाऊंगा, सुन ले। अच्छा सुना। मेरी तरफ से यस। अच्छा एक बात सुन, यूपीएस जनरेटर या सोलर पैनल तुझे लगवाना है? नहीं, वैसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। क्यों? टाइम पास। बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। दफा हो जा। वो मैं फैमिली अरेंज करने गया था। फैमिली अरेंज करने गया था? आई मीन वो फैमिली वापस आ रही है ना, तो टिकट्स अरेंज करने गया। तुम्हारी फैमिली वापस आ रही है? अब देखो ना, जो इम्पोर्टेंट है सो है। वैसे भी शादी दो खानदानों के दरमियान ही होती है ना। हाँ, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स हमारे साथ तो नहीं रहेंगे ना? ऑफ कोर्स हमारे साथ रहेंगे। I'm a complete family man। नहीं, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है। कितनी प्राइवेसी, कितनी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि मेरे इतने बड़े घर में मेरी इतनी सी फैमिली आके ना रहे? हाँ, एक मिनट, नहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मेरी फैमिली मेरे साथ आके ना रहे? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि आई एम अ कंप्लीट फैमिली मैन। आज तुम कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे हो। हाँ, वो मैंने हेयर कट कराया ना। हाँ, वैसे नहीं। चलो ठीक है, तो मैं अपनी फैमिली को फोन करके बोल देता हूँ कि ना आए। वैसे भी शादी कौन सा दो खानदानों के दरमियान होती है। मेरा ये मतलब नहीं था। I mean, I'm looking forward to seeing them. Sure. Yeah. तुम ही ने मेरे हीरो का हार चुराया है। मेरे 200 करोड़ के हीरो का हार। बेगम साहिबा, मैंने आपके इस घर को हमेशा अपना घर समझा। अपना खून पसीना एक करके इस आलीशान महल को मजबूत बनाया। जब भी कभी मुझे धक्का लगा, मैंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। ऐसा इल्जाम लगने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अबे ये शूटिंग चल रही है क्या? अबे नहीं, असली है। रजिया बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। थैंक यू। जरा 2 मिनट बात करना थी, बात सुनती हो? आंटी एक सेकंड, मैं भी आई। टेंशन। रजिया एक काम है, 3 दिन का काम है, इसके घर का काम है, लड़का मेरा दोस्त है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, कैश। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि झाड़ू बर्तन कपड़ा के 700 रुपये फी काम के हो गए और 1000 रुपया हो गया बड़े बंगले का अगर है तो। और इसके अलावा ये है कि नो जेंट्स, ओनली लेडीज़। लेडीज़ के बगैर काम नहीं होगा। और ईद हो, बकरा ईद हो, कोई बड़ा दिन हो, क्रिसमस हो, उस पर पूरे दिन की छुट्टी। और घर के पुराने कपड़ों पे, पुराने सामान पे सिर्फ मेरा हाथ। अगर तुझे इसके घर की महारानी बना दूँ तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? मतलब समझना है। बेगम साहबा मुझसे गलती हो गई, ये ले अपना हार। पता नहीं कैसे मेरे पास आ गया था, वैसे चोरी की नीयत नहीं थी मेरी। अच्छा, मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, जरा अर्जेंट काम आन पड़ा है। 3 दिन? 3 दिन तो क्या, मैं तुम्हें एक लम्हे इस महल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रामू, गौतम, काका, इस चोर को महल से बाहर फेंक दो। ये बंदा है तेरा? ये तो पुलिस वाला है। ओहो, इधर मटर कश्ती हो रही है, सैरे हो रही है। सर वो सी व्यू जा रहे थे सर। अच्छा, सी व्यू जा रहे थे, वाह वाह वाह। वहाँ पर ऊंट की सवारी करोगे, घोड़े दौड़ाओगे, मीठे मीठे लच्छे खाओगे, हैं? मजे आ रहे जी सर। अबे तुमने कभी मुल्क की गुर्बत के बारे में सोचा है? 200 रुपए का पेट्रोल डला के न्यू कराची से आ गए सी व्यू घूमने, हैं? सर वो आपको कैसे पता चला? अरे बेटा जी, हम क्लिफ्टन में खड़े हैं और तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम न्यू कराची से आए हो ना? हाँ, ये कौन है भाई? मेरे शोहर हैं सर। आप इनकी कौन हैं? चलो चलो बताओ। सर मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। पकड़े गए ना। अगर तुम कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ तो मैं अभी निकाहनामा चेक कर लेगा। चलो नीचे उतरो। सर वो लेडीज साथ है सर। अच्छा, लेडीज के साथ तो कोई लेडीज नहीं है ना। चलो लड़की तुम नीचे उतरो। नहीं नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगी। नीचे नहीं उतरोगी तो चलो किसी होटल में चल के बात कर लेते हैं। चलो। नहीं हम होटल वोटल नहीं जाएंगे। पर वो आपको अच्छा लगेगा सर, लेडीज रोड पे खड़ी हो सर। अच्छा होटल भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं उतरेंगे। तो जल्दी से 500 रुपए निकाल जल्दी। पर 500 रुपए तो बहुत है सर। कुछ अबे क्या जूता लेने आया, जल्दी कर। जल्दी दे दो। जल्दी दे, गाड़ी आ जाएगी। हाँ ये चलो निकलो निकलो निकलो। सर आपके जूते। अच्छा अबे न्यू कराची से हवा बंदर हवा खाने आ गया है और हम गर्मी में बड़े बड़े बूट पहने। अबे हवा लगाने के लिए चप्पल पहन। चल निकल निकल, ज्यादा बातों में मत लगा, निकल जल्दी कर। अरे समीर मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। काम आया काम। मुश्ताक भाई कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ये कौन है भाई बबुआ साथ? ये मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा भाई है। अच्छा काम बताओ काम बताओ। मुश्ताक भाई एक काम आ गया। अरे बड़ा सा भी काम दो वो भी हो जाएगा, फिक्र की क्या बात है। ये बताओ क्या बनना है? मोची बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, सब्जी वाला बनना है, गोश्त वाला बनना है, सबके कपड़े मौजूद है अपने पास। बाप बनना है मुश्ताक भाई, बाप बनना है। बाप का रोल है तो इसका मतलब है सफेद शलवार कमीज। काम कितने दिन का है? बस 3 दिन का। किसका बाप बनना जी? मेरा। अरे तुम फिक्र ही ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। बिल्कुल जावेद शेख बनकर दिखाऊंगा। आजकल वो बापों के रोल ही कर रहा है। हाँ अच्छा ये बताओ माँ के लिए मिल गई है कोई? या मैं करूँ इंतजाम? वो मिल गई है रजिया। रजिया भी ठीक है, अगर सादिया इमाम होती ना तो रेटिंग बढ़ जाती दोस्त। लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम मुझे बताओ कहाँ पहुँचना है। लाओ एड्रेस दो, हम आपको कल पिक कर लेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तुम समझो तुम्हारा काम हो गया और पैसे वैसे तय कर लेंगे। फिक्र, ये हमारा यार है समी, जैसा ये कहेगा वैसा हो जाएगा। खुदा हाफिज। समझो तुम्हारा काम हो गया। अरे इलाका कुछ शेडी सा नहीं? हाँ धूप का शेड पड़ रहा है। और हम यहाँ कर क्या रहे? सिस्टर को लेने आए हैं। यहाँ से? तो और क्या, अवारी टावर से लेके आएंगे। चुप कर और फॉलो कर मुझे। आजा अबे आजा आजा आजा। वे कहाँ लेके आ गए? भरोसा रख भरोसा रख। आजा आजा आजा। चमेली क्या नाचती है तू? देख तेरे लिए हीरे लेके आया हूँ। आज तू अपूर के साथ चलेगी। चमेली शाख शाख पे खिलती है, लेकिन उसकी खुशबू किसी एक के लिए है। किसके लिए? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे जा जा, तू क्या उसके टुकड़े टुकड़े करेगा? फिर भी बता वो कौन है? हाथ छोड़, ये है वो मेरा हुमायूं। चमेली दिखा, ये हुमायूं सईद की नई तस्वीर। अबे तू तो हाथ छोड़, ये तो बेहोश हो गया। अच्छा सुन चमेली, मुझे तुझसे एक काम है। हमेशा काम के लिए आया कर, कभी वैसे भी आ जाया कर। आएंगे जाने मन, वैसे भी आएंगे। अभी तो तुझे पता है धंधे का बहुत बुरा हाल चल। तेरा काम कैसा चल रहा है? कभी कोई भूला बिसरा आ जाता है, वरना तुझे तो पता है रिसेशन और ये बीवियों का झंझट। हाय, आजकल मर्द का बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। बात तो तेरी ठीक। वैसे वो जहांगीर कैसा है? सबके हालात आज ही पूछ लेंगे। मेरे काम की बात है। हाय, ये चिकना कौन है? इसी का तो काम है। इसके लिए तो चमेली कुछ भी कर जाएगी। माँ, I am in love। चुप कर चुड़ैल, जल्दी से डांस तैयार कर, शेख साहब का फंक्शन आने वाला है। देख चमेली, इसकी बहन बनना है। इसकी बहन बनना है? जी, मेरी बहन बनना है। हाय, कितना प्यारा बोलता है। बस तू बोलता रहे और चमेली सुनती रहे। पैसे कितने मिलेंगे? मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। एक प्रॉब्लम है यार, बहन की रोल के लिए सही नहीं है, इसको भाभी बना देते। हाय, अपना चांस बना रहा है। देख चमेली, इसकी शादी की बात है, तू अपनी अदाओं से कोई गड़बड़ ना कर दे। तू फिक्र ना कर, जब ये ऐसा है तो इसका भाई कैसा होगा। 40 रुपए कम है। इब्रार भाई मेरे को जानते हैं, उनको बोलना मोशन आया था, मेरा नाम लिख ले। मैंने 1 साल पहले 100 कुप्पी का ऑर्डर दिया था उनको। माल तो ठीक है ना? ये तो ज्यादा ही ठीक है। अबे मैं तुझे अंडरवेयर कॉप लगता हूँ क्या? मैं हूँ समीउल्लाह। अबे चुप कर गया ना, इतना शोर मचाया, खामा खाम में भागना पड़ा। नशा तेल हो गया सारा, बोतल भी तोड़ दी। पैसे तेरा बाप देगा? पैसे ही तो देने आया हूँ। क्या बात कर रहा है? देना देता हूँ। तुझसे काम है। मैं तेरे को कोड नहीं बताऊंगा। अबे किस चीज का कोड? तिजोरी का कोड। तिजोरी? दीपक तिजोरी। अबे समीउल्लाह कहाँ ले आया यार? ये लौंडा कौन है? इसी का तो काम है। अच्छा, इसका काम है? मैं समझा तेरा काम है। नहीं, इसका काम मैं क्यों करूँगा? मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ भाई। अबे रुक, यही तो तुझे पैसे देगा। अच्छा, ये पैसे देगा? अच्छा या भाई, अगर 1 लाख रुपए हो तो चेक में रखो तो सेफ है, या 500-500 वाले करा लूँ? तेरे पास 1 लाख रुपए? नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहा है? टाइम पास। अबे सबको चाय पिला रहा है, मुझे दूध पिला रहा है, मैं सांप हूँ क्या? Yes my love। कहाँ हो तुम? ना मेरा फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। वो मैं एयरपोर्ट आया हूँ। एयरपोर्ट पे? हाँ, वो मेरी फैमिली आ रही है ना आज, तो उन्हें रिसीव करने आया हूँ। तुम्हारी फैमिली आ रही है, तुमने मुझे बताया नहीं। डार्लिंग, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। मैं भी तो उनको एयरपोर्ट पिक करने जाना चाहती थी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? हाँ, कौन कौन आ रहा है? रजिया है, मुश्ताक, था मुश्ताक रजिया। मुश्ताक रजिया, तुम अपने पेरेंट्स को नाम से बुलाते हो? हाँ डार्लिंग, वो अमेरिका में ऐसे ही चलता है, फर्स्ट नेम्स चलते हैं, जैसे कि मिस्टर मुश्ताक, मिसेस रजिया। और मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम भी मुश्ताक और रजिया को मुश्ताक और रजिया ही बोलो। बहुत बुरी बात है, मैं उन्हें मॉम और डैड ही बुलाऊंगी और तुम भी उन्हें मॉम और डैड ही बुलाना, समझे? हाँ डार्लिंग, अब देखो ना, तुम्हारी यही बातें तो मुझे पसंद आ गई। अच्छा चलो, फ्लाइट आ गई। लेकिन अनाउंसमेंट की आवाज़ तो नहीं आई। वो मैंने ऑफ कर दी। तुमने ऑफ की हुई है? हाँ वो ऑफ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ हो गया हूँ मैं तो। फोन हेलो हेलो, देखा फिर दोस्त ही दोस्त के काम आया ना। कैसी फैमिली ला के दी है तुझे, एक एक आइटम हीरा है हीरा। तो कान के नीचे सारे मुंह के हीरे बाहर आ जाएंगे। अबे यार ये कैसी फैमिली लाके दी है तूने मुझे? तो इस परिवार में क्या बुराई है? कोई मसला नहीं है, बहुत शरीफ है, माँ चोर है, बाप फ्रॉड है, भाभी नाचने वाली है और ये इसका तो पूछो ही मत। पूछो पूछो, मैं बताऊंगा ना। तू देख लेना मेरे दोस्त, यही फैमिली तेरी नैया पार लगाएगी, पार पार लगाएगी या डुबाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा वो मेरी पेमेंट याद है ना, 15,000 याद है? 500 वाले कड़क नोट एक काले बैग में जैनब मार्केट के सामने वाले कूड़ेदान में रख दिए थे मैंने। अबे फिल्म चल रही है क्या? और मुझे तो बताना था। अच्छा अब आप सब लोग मेरी बात गौर से। रूल नंबर 1, आप सबको मैं इस घर में इसलिए लेके आया हूं ताकि आप सब मेरी फैमिली बनकर रहें। आज के दिन से लेके मेरी शादी होने तक आप सबको मेरी असली फैमिली बनकर रहना है और तमीज से रहना है, और इसी काम के लिए मैं आप सबको पैसे दे रहा हूं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को सख्ती से फॉलो करना है। हाँ बोलो। ये रूल नंबर 1 और 2 तो जुड़े हैं। क्या है? जुड़े हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को भूलना नहीं है। अबे ये तो तीनों रूल चिड़वे हैं। अरे बेटा तुम कंटिन्यू करो, ये नशा ही है, टुनारी पार्टी, ये तो ऐसे ही बोल, चुप करके बैठ गए। ए मुश्ताक अपनी जबान काबू में रखा, तेरी पोल खोलूं तेरी पोल। वो जो तू थाने में बैठ के रो रहा था ना, तो मैंने तेरी जान बचाई थी वहां पे। अबे भूल तो तू गया है, चलिए। हाँ इतना सा था तू जब मैं तुझे उठा के लाया था, और क्या क्या मैंने तुझे हुनर सिखाए और कैसे कैसे लोगों से बचा के रखा सारी जिंदगी तुझे, हैं? वो भूल गया तू? नटी जटी में पानी से ब्लेड निकाल के लाता था, किसने सिखाया? बोल तो ऐसे फकर से रहा है जैसे बहुत तूने मुझे डॉक्टरी का हुनर सिखा दिया है। अरे जा, टोनारी पार्टी ये डॉक्टरी वाली शक्ल है, ये डॉक्टर बनेंगे। छोड़ो छोड़ो बेटा, तुम आगे बोलो, तुम क्या कह रहे थे? जी मुझे लगता नहीं है कि मेरे बोलने से कोई फायदा हो। बेटा झाड़ू बर्तन और डस्टिंग के अलावा और क्या करना है? ये सब आपका काम नहीं है। तो और कौन करेगा इसका? बखत तो फुर्सत ही नहीं हार सिंह हार से। मेरे मामले में बोली ना तो तेरा मुँह नोच लूंगी। अभी तुमने मेरी मीना कुमारी देखी है, खून भरी मांग की रेखा जाग गई ना तो ऐसा भागेगी कि दिखाई भी नहीं देगी। तो क्या पकड़ कर जम्मू कभी से रगड़ दूंगी तेरा। चुप! ये आप लोग सब क्या कर रहे हैं? चीप! लाहौल बेटा, किन लोगों को उठा के ले आए हो तुम इस काम के लिए? ए मुश्ताक तू अपनी नफासत अपने पास रखा, ये पप्पू शक्ल बना के तू पपाया दी सेलर मैन नहीं बन सकता। स्पिनिच! अबे स्पिनिच तेरा बाप, उठाओ चप्पल। बेबी क्या हुआ? ए बेबी तू मेरी बीवी है, हा? मेरी, तेरे को तो स्टोरी नहीं पता। देख बेटा मैं तुझे बताता हूँ, ये सब जरिए है, तू इनको लेके आ गया है। बेटा झाड़ू बर्तन के साथ मिलेगा। चुप! I go. English. ओके ओके। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार किसी और की पतलून पहनाओगे तो यही होगा, टाइट है। ये नहीं करिएगा, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ। और बात सुनो, ये बटन लूज करें, ऊपर वाला बटन खोले और नीचे वाला भी खोले बीच वाला लगा रहने दें। अच्छा थोड़ा क्लासी लगेंगे ना। ओके ओके। और ये पाइप को ये ऊपर इस तरह। हाँ ये स्टाइल। अरे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ओके वेरी गुड। एंड नाउ यू आर लुकिंग लाइक माय डैड। क्या क्या कहा? अब आप मेरे डैड की तरह लग रहे हैं। एक दफा और को डैड। ओह ओह ओह। अरे 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 ये क्या कर रही हैं आप? ऊपर बैठिए ना प्लीज। ऊपर बैठ जाऊं मैं? जी हाँ ऊपर बैठ। अरे उठा ना माँ को, आए उम्र हो गई ना बहुत। बात सुने, अब ये आपका ही घर है। ये मेरा घर है। जियो मेरे लाल, तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए अल्लाह करे, और तेरा दुख भी मुझे लग जाए, तेरा दर्द भी मुझे लग जाए, सवाए दांत के दर्द के ना। और इधर आ मैं तेरी बुलाई लूँ हेड में जूती। वहाँ सदके इतना प्यारा मेरा बच्चा। अब तू देखना मैं क्या करती हूँ। नहीं क्या क्या करेंगे आप बताएं मुझे। ये अपने वजन पे चलना। तू सीधा चलना, देख के। एक तो मेरा मियाँ बदल, दूसरा ये कपड़े बदल, ये शरीफों वाले कपड़े पहन के मेरा तो दम घुट रहा है। अरे यार बस 3 दिन की तो बात है। 3 मिनट नहीं पहनूंगी। क्या ये? हेलो जी शाहजी। अच्छा मेरी बात सुन, आज के दिन से लेके शादी के दिन तक वादा कर के तू नशा नहीं करेगा। नहीं करूंगा। क्या? तू नशा नहीं करेगा? अबे वादा नहीं करूंगा। नहीं, तुझे करना होगा वादा कि आज के बाद तू ग्लास तक को हाथ नहीं लगाएगा। अबे ग्लास को हाथ नहीं लगाऊंगा तो पानी कैसे पीऊंगा? मेरा मतलब है शराब को हाथ नहीं लगाएगा। अबे शराब को कौन हाथ लगाता है? शराब को तो डायरेक्ट मुँह लगाते हैं ना। मेरे भाई मेरी बात, चमेली है ना वो तेरी बीवी, इसको बीवियों की तरह थी, वरना अगर एनी को पता चल गया ना तो। एनी? अभी तो तू बोल रहा था चमेली। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार? तो नशा वशा तो नहीं किया तूने? एनी मेरी होने वाली बीवी है। अबे तो उसको तू बीवियों की तरह ट्रीट करना, मेरे को क्यों बोल रहा है? एक के पैसे में 2 काम कराता है चीटर। तू फिक्र नहीं कर भाई, ये रात गुजर जाने दे, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो डैड। बेटा मैं नाश्ता लगा दूं? जी मॉम लगा दे। हेलो भैया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। ये कहीं मैं आप तो नहीं देख रहा हूँ। ये लो तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता और तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय। ये आप सब लोग को हो गया क्या? कुछ भी तो नहीं भैया, आपको नींद तो ठीक से आ गई थी ना? हाँ बेटा, तुम यहाँ किस तरह रह रहे हो हैं? खैर अब मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई रजिया वो नौकर फल फ्रूट लेकर आ गया है तो कटवा के जरा बच्चों में बंटवा दो हैं। भाई हमारा पढ़ने वाला चश्मा रजिया नहीं मिल रहा, काफी देर से हम तलाश कर रहे हैं। ये रहा आपको चश्मा, देखते नहीं आप कुछ भी। अरे भाई रजिया अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता। ये पहले अखबार जरा सीधी करके पढ़े। अच्छा चश्मा नहीं था ना। भाई हम वॉक पे जा रहे हैं, आप चलेंगे? नहीं नहीं आप लोग जाएं। और वैसे आप लोग तो हम अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे पता है आप लोगों को अगर मेरी असली फैमिली होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। अरे भाई मी सन हम तुम्हारी फैमिली तो हैं। थैंक यू सो मच। ओ टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। टेंशन नॉट नहीं डैड, मेंशन नॉट। ओ सॉरी सॉरी, मैं टेंशन नॉट। चले अब आप लोग बैठे, मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ। ओके भैया, बाय भैया, टाटा टाटा, बाय 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 बाय। चला गया? अबे मुश्ताक तू तो बहुत अच्छा एक्टर है यार, बहुत अच्छा एक्टर है। अबे तूने फिर टिकानी शुरू कर, रख बंद करो, करना बंद करो, लात नहीं मार, लात पे यहाँ नहीं होगा ये, लात नहीं मारेगा, बंद कर, लात का मजाक नहीं है मेरा मुश्ताक। ओए डॉक डैड है मिशन हैपन व्हाट। मैंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, अच्छी नौकरी करता हूँ और एनी को मैंने ये कहा है कि मेरी फैमिली अमेरिका से आ रही है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि तुम लोग कभी हैदराबाद भी नहीं गए। मुश्ताक लगता है हैदराबाद का। चुप है भाई, तुम फिक्र मत करो, हम सारे के सारे एक नंबर के पापी हैं, सब संभाल लेंगे, तुम आने तो दो। पहले नहीं संभाला क्या है? इसी का तो डर है मुझे। देखो मेरा गेम बिगड़ा ना तो एक रुपया नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। ए मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं इस नशाई को बेच दूंगी। ए तमीज से बात कर, मुक्का मार के मुंह सुझा दूंगा, जोर हो तेरा। जानती है नशाई जोर कितना मारते हैं। खुदा के लिए यार मेरी इज्जत रखना, खामोश रहना, लेकिन ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना। बस 2-3 दिन का काम है, ये काम हो जाएगा तो 5-5 हज़ार रुपए दूंगा पर डे। अबे तो एनबी से भी कम है। $1500 ठीक है। 1500 नहीं, 15,000। 15,000 ठीक है ठीक है, फिर तो मैं चोरी भी नहीं करूंगी ना। अच्छा ठीक है 15,000 दूंगा, साथ में ये कपड़े और खाना तो मिल ही रहा है। मेरे को मंजूर है, डबल मंजूर है, डबल। रजिया को भी मंजूर है। सोच के बताऊंगा। जस्ट किडिंग, मंजूर है मंजूर है। मेरे साथ से नहीं आ गई है, तुम लोग प्लीज सिचुएशन संभाल लेना। अरे तुम अंदर तो लेके आओ उसको। मैं ला रहा, मैं ला रहा। हेलो। हाय। हाउ आर यू? गुड। लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। मिकाल मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कौन सी बात है, मेरी फैमिली कोई खौफनाक थोड़ी है। अगर तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद नहीं आई तो? डर तो मुझे लग रहा है कहीं तुम्हें मेरी फैमिली पसंद आए ना आए। बात सुनो, मेरी फैमिली थोड़ी सी वियर्ड है। हाँ क्यों? वो पाकिस्तान में नहीं रहना इतना सा, इसलिए। अच्छा चलो चलो, हम बहुत लेट हो गए हैं। दिल तो चाह रहा है कि वक्त इधर ही थम जाए, लेकिन चलना पड़ेगा। चलो अल्लाह मालिक। हाँ हाँ, हमें बहुत खुशी है पूरे घर वालों को, यानी एक ही फैमिली है, कि हमारी होने वाली बहू आज हमारे साथ डिनर पे है। थैंक यू। अंकल आप कब से अमेरिका में? हाँ हाँ, अमेरिका से? बस ये समझ लो हम शुरू से ही अमेरिका में। जब कोलंबस गया था ना छोड़ के अमेरिका, जब से भाई। डैड का सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना। अब एक्चुअली अमेरिका में बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं डैड। ये क्या चीज़ है भाई? फिर शुरू हो गए, वेरी नॉटी वेरी नॉटी। अरे दिमाग के डॉक्टर, हज़ारों पेशेंट्स हैं आपके, और इसी वजह से तो मॉम को सोशल वर्क करने का टाइम मिलता है वहाँ पे। सोशल क्या? सोशल वर्क। ओह सोशल वर्कर, हाउ नाइस। आंटी आपको अमेरिका में ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान में? यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर लोग मासूम का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्हें ईद त्यौहार पे बड़ा कुछ देते हैं। वहाँ अमेरिका में तो बच्चे माँ बाप तक को नहीं पूछते। नहीं नहीं, वो वहाँ पे सोशल वर्क करती है ना, तो उस हिसाब से बता रही हैं। वो एक्चुअली वहाँ पे मुलाजमों पे बहुत ज्यादती होती है। ओह नाइस। हाँ तो हूँ ना मैं सोशल सोशल। बुढ़िया तेरे को सोशल नहीं बोलना आता क्या? ए तो मेरे मुँह मत लगना। नहीं तो क्या करेगी? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? तू अपने काम से काम रख। वो एक्चुअली भाभी ड्रामे भी करती है ना। हाँ स्टेज जो मैंने बहुत किया वो भी बंद करा दिया। बोलते फहाशी है। अरे फहाशी बंद करानी है तो पहले ये पोश ड्रामे बंद कराएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये कहती हूँ आजकल के ड्रामे बहुत चीप हो गए हैं। कहाँ भाई कौन से चैनल पे आते हैं? मेरे को बहुत पसंद है वो जो गुची गुची कूबी। तेरे ख्याल में वो आइडिया किसने दिया था मतीरा को? गुची 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 गू वाला किसने? अरे तेरे भाई ने। और किसने? भाई बिल्कुल भाइयों, बल्कि दोस्तों जैसा रिलेशनशिप है दोनों का, लगता ही नहीं है कि। अरे ये मतीरा जब जिम्बाब्वे में थी ना, जब से जानता हूँ इसको मैं, और उस वक्त इतनी गोरी थोड़ी थी। हाँ उस वक्त मैं शेर की खालों की 2 नंबर स्मगलिंग किया करता था। शेर की खालों की स्मगलिंग? टू फनी टू फनी। अबे टू फनी नहीं, 1 फनी। 2 फनी तो ये है कि मुश्ताक चलते शेर की खाल उतार लेता था। एक दफा तो हिरन हंसने लगी तो शेर को पता चला कि मुश्ताक खाल ले गया। क्यों मुश्ताक? हाँ हाँ हाँ। वैसे भाभी मैं आपका नाम भूल गई हूँ। पहले मुन्नी था, जब से वो बदनाम हुई मैंने चमेली रख ली। वैसे आप सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। वैसे आप करती क्या हैं? डांस। अब क्लासिकल डांस सिखाती हैं छोटे बच्चों को। और आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? डैड आप शुरू करें ना, शुरू करें। मैं कर दूँ अभी लोग? डैड ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वो असल में अंगड़ाई ले रहा था, अंगड़ाई। वो खाने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। मेरा मतलब है आप खाना शुरू करें। खाना खाना क्यों नहीं? आंटी आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हाँ बेगम खाओ। आंटी आप कहाँ जा रही हैं? तुम लोग आराम से खाओ, मैं किचन में बैठ के खा लूंगी ना। आप हमारे साथ बैठ के खाइए ना। अच्छा हाँ। तो मौसम भाई मिकाल बता रहे थे आप साइंटिस्ट हैं, तो क्या इजाद किया आपने? इजाद तो अभी कुछ नहीं किया, अभी तो रिसर्च चल रही है ना, तो वैसे छोटी मोटी चीजें बना लेता हूँ। सिंगल सिगरेट की डबल कर लेता हूँ, एक कुप्पी से 4 लोगों को टुन कर देता हूँ। जोकर है पूरा। बल्कि इसने तो ऐसा फैन इजाद किया है जो एसी से भी ज्यादा कूलिंग करता है। अभी क्या बात कर रहा है, कितने का मिलता है? अबे बताना यार, अपनी खोली में भी लगा ले, मच्छर का बहुत टेंशन है यार। खोली? मोहसिन इतने बड़े महल को खोली कह रहा है, खोली। टू फनी मोहसिन, टू फनी। आप खा क्यों नहीं रहे? मैं पहले पी तो लूं फिर खाऊंगा। वो इसकी आदत है, खाने से पहले बहुत सारा पानी पीता है। हाँ पानी बहुत पीता हूँ। एक दफा तो मैंने अमेरिका में इतना पानी पी लिया कि पानी की शॉर्टेज हो गई, फिर उन्होंने सबको शराब पिलाई अच्छी वाली। जॉनी लीवर नहीं, वॉकर लीवर। कौन सी थी पता है, बहुत आला थी। उससे गला भी ख़राब नहीं होता और लीवर भी ख़राब नहीं होता। भाभी कभी देसी ट्राई नहीं करना, अंधे हो जाते हैं। क्यों मुश्ताक? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। चलो इसकी याददाश्त भी गई। मैं बोल रहा हूँ ना, देसी से चली जाती है। पापा और मोहसिन के जोक शुरू हो जाते हैं ना तो फिर किसी की भी नहीं चलती। ओह, तो आप शराब नहीं पीते? थैंक गॉड। अबे क्या पागल हो गई? अभी शराबी बोल रही, फिर बोलेगी नशा करते हो, फिर बोलेगी पाउडर पीते हो। मैं क्या तेरे को पाउडर पीने वाला लगता हूँ क्या? मैं कोई नशा ही नहीं हूँ भाभी, वैसे कभी कभी जस्ट फॉर फन। अरे मोहसिन, तुमने डैड की मेडिकल किट से प्रॉप्स भी निकालने शुरू कर दिए। इम्प्रोवाइजेशन, वेरी गुड। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सीरियल लिखना चाहिए। वेरी गुड, गुड जॉब। सीरियल कॉन्फ्लिक्ट, सीरियल वो जीता बिल्ली वाले। You guys are too funny. Too funny. तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? नेपियर रोड पे गजरे बेचता है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, सर्कस में जोकर का आइटम करता है और कभी कभी बंगलों से कूड़ा उठा कर ना बेच भी आता है। जोकर वाला सही है, पर मैं अकेला थोड़ी करता हूँ। ये मुश्ताक भी तो था लास्ट शो में। अबे मैं कब था? अबे याद नहीं है? लास्ट शो में जब तेरी नाक गिर गई थी, कैप्टन ने रख के दिए थे तेरे को, भूल गया क्या? अबे जा तो नारी, हर वक्त नशे में रहता। अरे मैं उस दिन दूसरा आइटम कर रहा था सर्कस में यार। मैं तो वो मुमताज बेगम बन के बैठा हुआ था ना, दाढ़ लोमड़ी का मुँह इंसान का। याद नहीं है तुझे? अबे बशीर छुट्टी पे था ना उस दिन। मुमताज बेगम? अरे हाँ वही, धड़ लोमड़ी का मुँह इंसान का। पाँच पाँच रुपया। उस दिन आपके भाई ने 15,000 रुपए की सेल की थी अकेले ने। है क्या? सबको उल्लू बना दिया। आउल। साइंटिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेके जाती है। ये एक ऐसी शराब है, एक नशा है। अरे मुश्ताकी, तूने भी जिस्म देखी है? अरे यार क्या आई है उसमें बिपाशा बासु। आप साइंस का कुछ कह रहे थे? बिपाशा भी तो एक साइंस है। साइंस नहीं, आप अभी किसी इन्वेंशन के बारे में बता रहे थे। सिगरेट खोल के ऐसे जोड़ता हूँ कि कभी कभी तो मेरे को पता नहीं चलता कौन सी मैंने जोड़ी और कौन सी कंपनी फिटेड है। आगे तेरी औकात बताऊं? 125 रुपए की लूट पे नाचने वाली। हाँ तो $125 कम थोड़ी होते हैं बच्चों के शो के लिए। वो क्या करती हैं हम? भारतनाट्यम, उच्चीपुरी। मेरी तो जान है काबरे, और मेरी जान मेरा बेटा मिकाल है, और मेरी जान है ये इतनी प्यारी फैमिली, एंड ऑफ कोर्स यू एनी। आई लव यू। ओह दैट्स सो क्यूट। कितनी क्यूट और इनोसेंट है तुम्हारी फैमिली, है ना? बिल्कुल भी फेक नहीं थे, कुछ भी बनावट नहीं था उनमें, अपने रूट से इतने जुड़े हुए। हाँ, मेरा बस चले तो सारी जड़े काट दूंगी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान इज द बेस्ट। तुम्हें पता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी के बाद तुम्हारी फैमिली हमारे साथ रहेगी। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? तुम सही कह रही थी। मेरा मतलब है कि वो लोग अमेरिका में रहते हैं ना, और कहाँ अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़ के इधर पाकिस्तान में आ जाएंगे। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। नहीं, मैंने गलत कहा था। नहीं, तुम सही कह रही थी। मैंने कहा ना मैं गलत थी। पहली बार तो तुम सही थी। बेटा मुश्ताक को समझा ले, बुला रहा है कमरे में, कह रहा है आके मेरी बात सुन, जल्दी आ तू भी। अच्छा हाँ। मैं आ रहा हूँ, आप चले। जल्दी से आ। मैं आ रहा हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि उनकी एज में हम भी उन जैसे हो जाएंगे ना। नहीं, ये थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारे भाई और भाभी भी बहुत स्वीट हैं, काफी नेचुरल हैं। सुपर नेचुरल है। वैसे तुम्हें कुछ अजीब सा तो नहीं लगा ना? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किस्मत वालों को मिलती है ऐसी फैमिली। मेरे पेरेंट्स हंसना तो दूर की बात, कभी प्यार से बात भी नहीं करते। और मैंने तो कभी भी अपने माँ बाप को देखा ही नहीं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है वो अमेरिका में रहते हैं ना, तो इन 5-10 साल बाद जाके उनसे मुलाकात होती है। काफी बिजी रहते हैं। और तुम्हें पता है जब मैं पैदा हुआ था ना, तब भी वो अमेरिका में ही थे। तुम पैदा कहाँ हुए थे? अपनी खाला के घर। कैसे? छोड़ो ना, सुपर नेचुरल है, बताया तो था। अच्छा छोड़ो इन बातों को। कल डैड ने डिनर रखा है तुम्हारी फैमिली के लिए। क्या? इसकी क्या जरूरत थी? मैं मुलाकात कर लूंगा ना। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल बातें खुद ही निपटा लूं। इसमें पर्सनल बातों की क्या बात है? तुम उनके बेटे हो, तुम्हारी मंगनी हो रही है, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएं। तुम मेरे डैड को नहीं जानते, अगर तुम लोग नहीं आए तो वो तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ले आऊँगा ना, मैं खुद ले आऊँगा। ये बताओ कि कितने बजे लाना है? 8 बजे। 8 बजे? ओके। वक्त की पाबंदी करने वाले लोग बहुत पसंद, क्योंकि मेरा एक एक सेकंड करोड़ों का है। ओपन द डोर, हो जाओ। कमल कमल, वेलकम वेलकम। मैं शेख मोहम्मद इदरीस कालपुरी। कानपुर में हमारे पुरखों की जायदाद है और मेरा ताल्लुक यूपी से। जब आपका ताल्लुक यूपी से, तो जायदाद कानपुर में क्या कर रही है? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल किया है नौजवान तुमने। तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया। जब हमारा ताल्लुक यूपी से है तो हमारी जायदाद कानपुर में क्या कर रही है? उसे फौरन यूपी शिफ्ट करवाओ। Myself and he's dead. Annie का बाप। आपके आईडी कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है, Annie का बाप। Good joke, अच्छा मज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। मैं मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद गुगली? नहीं नहीं, वो मुश्ताक दूसरा था, मैं दूसरा हूँ। बल्कि मैं तो कभी कभार तीसरा और चौथा भी करा जाता हूँ। एक दफ़ा एम्पायर ने पकड़ भी लिया था। अंकल, ये मेरी मदर है, ये मेरी भाभी हैं और ये मेरा भाई। भाई इतना बड़ा घर है माशाल्लाह। 2000 से कम में तो कोई भी सफाई नहीं करेगा। 2000 नहीं, 2500 गज पे। फिर तो 4000 में ही होगी। आप लोग सब बैठे ना, प्लीज बैठे। आदाब। आदाब। आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। ये हुस्न जमाल, ये चेहरे की शोखी, इस सब का क्या फ़ायदा जब कोई कदरदान ही ना हो। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपसे पहले कहीं मुलाकात हुई है। मेरा नाम सरवत है और मैं एनी की माँ हूँ। सरवत? अगर सरवर होता ना तो आप एनी के मामू होते हैं। मरता काय को है? बैठे बैठे तो शौकिया। क्या लेंगे आप, ब्लैक या वाइट? मुझे ब्लैक एंड वाइट मिक्स 36 इंच। गुड, वेरी गुड, आई लाइक यू मैन। मुझे तुम पसंद हो। तो फिर शादी कब कर रहे हैं? शादी के लिए तो आए हैं, पहले हमारी मंगनी तो हो जाए। अबे पागल हो गया क्या, मैं एनी के बाप से शादी करूँगा? मैं एनी से शादी करूंगा। आया। आप लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ब्लैक या वाइट? देखिए, अगर अंग्रेजी है तो कोई भी चलेगी, क्योंकि देसी से तो अंधे बंधे हो जाते हैं ना। गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा। बेटा, एनी ने तुम्हारा बहुत जिक्र किया है और मैं हैरान हूँ कि उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की। जस्ट जोकिंग। अंकल, एनी खुद भी बहुत अच्छी है। जी जी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है, मेरा मतलब है बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी, एकदम यस ओके बच्ची ओके। आखिर बेटी किसकी है? अच्छा आई लाइक दिस टॉक। आदा आदा आपकी हमारी खूब बनी, फिर तो मेरी भी बनेगी, मेरी तो बीवी है ये, मेरी बीवी है, बहुत अरसे नहीं रहेगी। शेख साहब आप जरा हाथ हल्का ही रखिएगा, फिर नौकरों को उठा के ले जाना पड़ता है। You shut up! तुम अपना मुंह बंद रखो। Keep your mouth closed। और अंकल आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ मुझे? नहीं वो एनी कह रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। कब कहा उसने? यही कोई 6-8 महीने पहले। ओह, उस वक्त मुझे डेंगू हो गया था, दूर दूर से डॉक्टर आए थे। गरीब वालों ने मना कर दिया था क्या? अंकल एनी नजर नहीं आ रही। एनी क्या मिस्टर इंडिया है? लैट्रीन कहाँ होगा? हाँ वाशरूम, वाशरूम। जी आइए मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करती हैं? इलाज। इलाज? क्या डॉक्टर हैं आप? दिल की डॉक्टर। जी आइए। जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे थोड़ी सी बात हो सकती है। जी कहिए। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है भाभी कि शेख साहब ने जिस तरह आपसे भी बात की मुनासिब नहीं लगा। आप उनकी बेगम हैं और ये शादी ऐसा नाजुक रिश्ता होता है जिसको निभाते निभाते आदमी फारिग हो जाता है, और अगर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और मर्द को दिखा दे कि वो उससे कम नहीं तो उस जिंदगी का मज़ा ही कुछ और है। जी आप ठीक कह रहे हैं, दरअसल मैं ही कमज़ोर पड़ गई थी। एक्चुअली मी हियर यू फॉर, नहीं मेरा मतलब है मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। मैं उस लड़के का बाप नहीं हूँ। जी जी हाँ, मेरा मतलब ये है कि मैं तो आपके लिए तोहफा भेजा गया हूँ यहाँ इस घर में। देखिए मुझे तो अफसोस ये हो रहा है शेख साहब की नज़रों पर कि उन्होंने घर में रखे हुए हीरे को आज तक नहीं पहचाना। इन झील जैसी आंखों में डूबने की बजाय वो इस्तेमालशुदा गिलासों में गोते लगाने की कोशिश कर, है ना? समझ गई ना? मेरे ख्याल से बहुत हो गया। हाँ अबे काम बहुत हो गया, बहुत तो अभी बोतल में पड़ी है यार। बच्चा है, बच्चे को एंजॉय करने दो। बल्कि तुम बताओ कि तुम क्या लोगे? साहब जी आपका किचन किस तरफ है? पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, यही कहीं होगा। अच्छा चलो मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? आप राजा के फार्म हाउस पे जो पार्टी हुई थी उस पे आए थे ना? हाँ हाँ, राजा तो मेरा बच्चा है, ही इज माय सन। क्या बात थी? हम ही तो शमाए महफिल थी। इस परवाने को भी शमा की ध्यान से परवाने, कहीं अपने पर ना जला लेना। आप कहें तो शमाई बुझा दो। थोड़ी देर ठहर जाओ, अंधेरे में मेरे को नजर नहीं आता। उस दिन भी मैं आधी बाटली नाक से पी गया था। अंकल मैं एनी को देख कर आता हूँ। गिलास दे जा भाई, गिलास। बड़ा मजा आ रहा है ना? थोड़ा प्रीति मैं कि मैं कब जाके ना किचन में काम करना शुरू कर दूं। शीशे में उतारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जी मेरा मतलब है मेरा शीशे का कारोबार भी है और आप भी मुझे थोड़ी थोड़ी बिजनेस माइंडेड लगती है ना? जी थोड़ा बहुत मेरा भी बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट है। वो अलग बात है कि कोई बिजनेस कामयाबी नहीं हुआ। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सरवत नाम है ना आपका। अब मैं जो आ गया हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। बात दरअसल ये है सरवत, जब मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ एक बार तो उसको छुड़ाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ तो मामा वो क्या करें आप लोग? चलिए। हाँ आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। साहब जी मैंने सारे मैले बर्तन धो दिए, अब कल आऊंगी। बेगम हट। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है बच्ची, बच्ची बहुत अच्छी है। डैड नहीं आ गई है मेरे ख्याल से, अब बात की जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। शेख साहब चांद की 27वीं कैसी रही? अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि सूरज की 28वीं चलेगी, क्योंकि अब तो चांद सभी पे हाथ ले। छोड़िए भी, अब मेरे ख्याल से तो मंगनी कल ही होनी चाहिए। लेकिन इतने सारे इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होंगे? मैं करूँगा ना भाई, जो करना हो कर, खर्चा हम उठाएंगे और महफिल में जान आप डालेंगे। लेकिन इतना जल्दी? बेटा बकवास बंद करो, जब शेख साहब खुशी खुशी सारा खर्चा उठा रहे तो तुम्हें क्या चुल है? और वैसे जोड़े तो आसमानों में बनते हैं ना। मैं तो जोड़े जमीन पे भी बना लेता हूँ। मुझे लगता है कि कल ठीक रहेगा, वैसे भी हमें कौन सा पूरी दुनिया को बुलाना है। नहीं नहीं पूरी दुनिया को बुलाओ, बल्कि सारी सेलिब्रिटीज को बुलाओ। सेलिब्रिटी? ऐसी सेलिब्रिटी बताऊंगा कि आप पागल हो जाएंगे, पागल। क्यों इश्ताक? ऐसा मेला सजाऊंगा आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। एनी मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। क्यों? वो मेरी पहली मंगनी है ना। तो मेरी कौन सी चौथी है? तो तुम्हें क्यों नहीं हो रही घबराहट? मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि फैमिलीज ने आपस में एक दूसरे को मिल लिया है और एक दूसरे को जान लिया है। शुक्र है सिर्फ जान लिया, पहचान ही लिया। I'm so excited. तुम खुश नहीं हो? हाँ, खुश हूँ। बस थोड़ी सी टेंशन है, इतने सारे इंतजामात कैसे होंगे एक दिन में? मोहसिन भाई है ना साइंटिस्ट, कोई ना कोई साइंस लड़ा लेंगे। मुझे की तो टेंशन है कहीं कोई ना कोई साइंस लड़ना चाहे। डोंट बी रूड, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, देखना सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कल का दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। हाँ हो सकता है, तुम्हें पता है मैं भी सोच। हेलो हेलो अरे काम चोर कोई काम नहीं करते। अबे मुश्ताक तू क्यों सर पकड़ के बैठा है, गिर जाता है क्या? अबे यार बहुत बड़ा भंड हो गया यार। क्या हुआ? और यार जो मंगनी के फंक्शन में मैंने शलवार कमीज पहनना था, दूल्हा का बापू यार वो कमीज है शलवार नहीं है यार। शलवार कहाँ गई? और यार धोबी के पास थी, मैं भूल गया उठाने यार। अब क्या होगा? तेरे को एक आइडिया दूं? हाँ तू पतलून पे कमीज पहन ले। अबे तो नारी, अबे पतलून पे कमीज, शलवार की कमीज कौन पहनेगा यार? मैं दूल्हा का बाप हूँ, लल्लू पंजू थोड़ी हूँ। देख मुश्ताक तुमसे बदतमीजी नहीं किया कर, अच्छा? अभी शादी वाले घर में फड्डा हो जाए अच्छी बात नहीं है। ये 2.5 किलो का हाथ देख रहा है ना, ये जब किसी पे पड़ता है ना तो वो अकड़ जाता है। अबे टपाओ यहाँ से, 2.5 किलो के बच्चे, ऐसा एक और चमाट मुंह पे मारूंगा तेरा दिमाग घूम जाएगा, समझ गया तू? 2.5 किलो का बच्चा। बताता हूँ मैं शेख साहब को, बताता हूँ जो उनकी बीवी को तू बोतल में उतार के ढक्कन लगा रहा है ना। पागल हो गया यार, कितना पैसा लगा हुआ है हम लोगों पे। देख ऐसी बात है, तू तो मेरा यार है यार, दिल लगी भी कोई चीज है ना, तू जैसा कहेगा मैं वैसा। मैं पतलून पे वो कमीज पहन लूंगा शलवार वाली, फिक्र की बात ही नहीं है, झगड़ा खत्म है। 2 और लगा ले, मैं जाके लगाता हूँ यार। लगा एंजॉय। अभी मैं देखू काम, वो लाइट नहीं लगा रहे, लाइट लगाओ लाइट। पागल का बच्चा फंसवाएगा भाई ये तो। ये टोनारी का ही बैग है, स्प्रिट की बदबू आ रही है इसमें। और ओहो बन गया काम। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। सिर्फ अच्छी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। आप तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मैं नहीं तो मैं क्या परेशान हूँ। डोंट वरी, मोहसिन भाई सब कुछ संभाल लेंगे। इसी का तो डर है मुझे। हेलो हेलो हेलो, ये भाई माइक क्यों नहीं चल रहा है? वो सर जी चलते रहे। अबे कहाँ चल रहा है, इतनी देर से तो यहाँ पड़ा हुआ है। फनी गाय, मजा आया। अबे मुश्ताक तू वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? आ जा ना, तू तो फैमिली, आजा आजा। मुश्ताक तालियां। वैसे तो मेरा रिश्ता मुश्ताक से बाप बेटे का है, लेकिन असल में ये मेरा मुश्ताक है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। क्यों मुश्ताक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ख़वातीन व हज़रात इसी बात पे तालियां। ख़वातीन व हज़रात, ये ठीक है कि मेरा और मोहसिन का रिश्ता बाप बेटे का नहीं है, हमारा और इसका रिश्ता है जय और वीरू का, अमर और प्रेम का। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे बेटे की मंगनी है और ये खूबसूरत लड़की हमारे खानदान का हिस्सा बनने वाली है, तो मैंने और मोहसिन ने पाकिस्तान तो क्या बर्रे सगीर पाक व हिंद से लेके कुस्तुनतुनिया से लेके साउथ अफ्रीका तक जिनके डंके बजते हैं। जवां दिलों की धड़कन तो बोल। मैं बोल रहा हूँ ना, जो जवां दिलों की धड़कन है। लड़कियां जब उनका नाम सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और हवाएं चलने लगती हैं, चीलें चिलचिलाने लगती हैं, तो आते हैं चन्नो चन्नो। मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ। अब जिस आइटम नंबर की बारी है उसकी वजह से ये पूरी फिल्म चल रही है। नौजवानों अपने दिलों को संभाल के बैठो, शेख साहब खास तौर पे आप बिजली गिराने के लिए आ रही है। मेरी और आप सबकी बीवी नहीं, चहीदी चमेली। अबे लाइट कहाँ चली गई भाई? ये शादी नहीं हो सकती। मगर आंटी ये शादी तो हो ही नहीं रही, ये तो मंगनी हो रही है। जो भी है बस नहीं हो सकती। क्यों अम्मी? आंटी आखिर हुआ क्या है? चल भाई लो यहाँ से। खूब नाटक किया तुम लोगों ने। अरे मुझे तो पहले ही शक था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम बताते हो या मैं सब कुछ बताऊं? हाँ ये बात सही है कि ये लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हैं, और ये बात भी सही है कि मेरे असली माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। छोड़ कर क्या चले गए थे, उन्होंने तो मुझे बचपन में ही रोड पे फेंक दिया था। लेकिन ये लोग नकली होने के बावजूद भी असली से कहीं बेहतर है। ये मेरा बाप जो कहने को तो एक फ्रॉड है, लेकिन जितना काम आज इसने अपनी नकली बेटे के लिए किया है शायद ही कोई असली बाप कर सके। और ये मेरा नकली भाई नशे करता है, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी होश वालों से कहीं बेहतर है। एक गौर से सुनो, मेरी बात हो रही है मेरी। और ये मेरी नकली माँ लोगों के घरों में सफाई करती है और लोग इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरे पास से तो एक तिनका तक गायब नहीं हुआ, बल्कि इसने इस मकान को घर बनाया। और मेरी भाभी, मेरी नकली भाभी रमेली, मुझे नहीं पता जो ये करती हैं वो सही है या गलत, लेकिन इतना ज़रूर जानता कि कोई भी औरत ये अपने शौक से नहीं करती। क्या बकवास कर रही? लेकिन एक बात जो नकली नहीं है वो ये कि मैं एनी से बहुत प्यार करता, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर तक नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। एनी आपकी बेटी है, आप उसके लिए जो सोचेंगे वो उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन प्लीज ये जरूर देख लीजिएगा कि जो आप करें उसमें एनी की भी रजामंदी है। बाकी सबके लिए I'm sorry। चलो एनी अंदर चलो, इन फ्रॉड लोगों से दूर। और आप लोग भी सब अपने अपने घरों को जाओ, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही। कोई कहीं नहीं जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुम पे बहुत फख्र है बेटा। झूठ बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन झूठ को मानना बहुत मुश्किल है। मैंने भी जिंदगी में हजारों झूठ बोले हैं। वो तुम्हें जो मैंने अंगूठी दी थी ना, वो सोने की नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरा कारोबार इतना बड़ा नहीं था। इंसान को जिंदगी में बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और अगर उस झूठ से किसी को नुकसान नहीं होता तो वो झूठ झूठ नहीं है। मिकाइल ने भी एनी के प्यार में ये सब कुछ किया। इसे डर था कि हम कहीं इस रिश्ते से इनकार ना कर दें। एनी बेटा, क्या अब भी तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो? शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो फिर ये शादी जरूर होगी। वाह 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 वाह। देखिए ख्वातीन और हजरात, ये मिकाइल मेरा असली बेटा नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो काश ऐसा ही होता। एक होनहार लड़का जो इतना खुश नसीब है, कितने अच्छे खानदान से लड़की ला रहा है। वाह वाह शेख साहब, बहुत बड़ा दिल है आपका, वाह। अबे मुश्ताक, बड़ा दिल होना बीमारी होती है, मारेगा चाचा को। आज जिंदगी में तो सच बोल रहा हूँ। बोलने दे यार, बोलने दे। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। बस बस बस, अब बस करें। सबको स्पीच करने की जरूरत नहीं है। इनकी समझ में आ गई ये बात, और मेरी समझ में भी आ गया है कि तुम्हारी समझ में आ गई है कि इस शादी में तुम्हारी शिरकत जरूरी है, बल्कि भरपूर जरूरी है। आज मैं एक और सच कहना चाहता हूं जो बरसों से मेरे दिल में दबी हुई है बात। अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो सरोज बेगम, तुम। तालियां! वाह वाह वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। म्यूजिक तेरा बाप लगवाएगा। म्यूजिक म्यूजिक मिकाल, तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। I'm sorry। क्या तुम्हारे वाकई पेरेंट्स नहीं हैं? नहीं। मुझे भी तुम्हें एक सच बताना है। हाँ बोलो, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम्हारी फैमिली भी नकली है। क्या एनी? क्या मतलब? एनी मेरी बात तो सुनो, एनी।